बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS वर्ल्ड नेट के प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए रबीउल अव्वल के चांद का ख़ास वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं। ये वजीफ़ा आप चांद देखकर लाजमी कर ले, ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। अगर आप इज़्ज़त, दौलत और शोहरत चाहते हैं तो इस वजीफ़े को बिल्कुल भी मिस न करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इस महीने के चांद से जुड़े एक प्यारा सा वजीफ़ा बताएंगे, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफाती नाम का वजीफ़ा है, जो आपके तमाम हाजात को पूरा कर देगा। ये वजीफ़ा आपने कैसे करना है और इसके फ़वाद क्या है, मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये बात ज़रूर याद रहे कि इस्लामी साल का तीसरा महीना रबीउल अव्वल है। इसकी वजह तस्मिया ये है कि जब इब्तिदा में इसका नाम रखा गया तो उस वक्त मौसम रबी यानी फसल बहार का आगाज़ था। यह महीना फ्यूज़ो बरकात के एतबार से अफजल है, क्योंकि इस महीने में बाईस तख्लीके कायनात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर तशरीफ़ लाए। 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर मक्कतुल मुकर्रमा के मोहल्ला बनी हाशिम में आपकी विलादत बासआदत सुबह सादिक के वक्त हुई। प्यारे दोस्तों, आपको आज का वजीफ़ा भी बताते हैं कि आपने रबीउल अव्वल का चांद देखकर ये वजीफ़ा कैसे करना है। दोस्तों, रबीउल अव्वल वह मुबारक महीना है जिसमें रब्बुल आलमीन महबूब इंसानियत पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत मुजस्सम बनाकर इस आलम में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रोशन तालीमात और नूरानी अखलाक के ज़रिए दुनिया से न सिर्फ शिर्क व जहालत की तारीखियों को दूर कर दिया, बल्कि बेसरो खुराफात को जड़ से मिटा दिया। दोस्तों, अब हम उन वजीफ़ा का जिक्र कर लेते हैं। ये वजीफ़ा आपने चावल के दानों पर करना है। इसके लिए आपको चावल के 7 दाने चाहिए। बेहतर यह है कि 2 रिकात नमाज सलातुल हाजात पढ़कर जाए नमाज पर बैठ जाए और उसके बाद ये वजीफ़ा करे। आपने चावल के 7 दाने अपने सामने रख देने हैं और इसके बाद ये अमल इस तरीक़े पर करना है कि सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर आपने एक तस्बीह अल्लाह ताला के इन 3 नामों के पढ़नी है, या अल्लाह, या रज़ाको, या गनी। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह ताला के बहुत ही मुबारक नाम है। इन नामों की तासीर ऐसी है कि जो आपके मुकद्दर को बदल देगा। आपने इन 3 नामों को एक साथ पढ़ना है और एक ही सांस में पढ़ना है, या अल्लाह, या रज़ाको, या गनी। और ये तस्बीह मुकम्मल करने के बाद आखिर में फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और ये अमल मुकम्मल करना है। ये अमल मुकम्मल करने के बाद आपने चावल के दानों पर दम कर देना है, और ये अमल आप दिन में या रात में किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। और चावल के जो दाने हैं, उन दानों को आपने एक मुट्ठी चावल में शामिल कर देना है, और इन चावलों को आपने किसी ऐसी जगह डाल देना है जहां से परिंदे उन चावलों को खा ले। ये अमल करने के साथ साथ आपने दिल से दुआ भी करनी है और हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है, क्योंकि रिस्क देने वाला अल्लाह है और शुक्र करने वालों के रिस्क में अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमाता है, और सदका करने वालों के रिस्क में भी अल्लाह पाक इजाफ़ा फरमाता है, चाहे सदका ज़रूरतमंद इंसानों पर हो या फिर अल्लाह ताला की बाकी मखलूक पर हो। दोस्तों, ये बात ज़रूर जहन नशी कर ले कि कोई भी इबादत या कोई भी वजीफ़ा उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं जब तक के महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सच्ची और पक्की मोहब्बत न कर ले। हम आज से ही ये अज़्म करें कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तबा करेंगे, और आखिर में आपसे गुजारिश है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अक़दस पर इस महीने में दुरूद पाक की ख़ास तौर पर कसरत करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीबात पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। दोस्तों, ये वजीफ़ा ख़ुद भी करें और इस वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस अमल से इस्तेफादा कर सके। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, ताकि हमारी हौसला अफज़ाई हो सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।